और आप कैसे देखते हैं अब दिनेश जी यहाँ पर आगे लेकर, जिस तरह की पानी की किल्लत है, मौसम की किल्लत है, एग्री एज ऑफ नाउ माना जा रहा है कि गेहूं को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बुआई जो खरीफ की है वो कुछ आपको लगता है डिलेड होगी? किसान यहाँ पर प्री मानसून मानसून पहले देखना चाहेंगे। जी मनीषा जी, जैसे कि बताया गया है कि सिचुएशन वाकई चिंताजनक है और मुझे लगता है कि जो भी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है वहां पर मैक्सिमम पानी पिया जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। जहां तक के एग्रीकल्चर की बात है, ये तो सोइंग सीजन नहीं होता है मोस्टली, लेकिन अगर अर्ली सोइंग कहीं होती है तो फिर वहीं पर एक दिक्कत होने की पूरी पूरी संभावना नजर आती है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट राइट नाउ कि उस समय की टेम्परेचर क्या होती है और किस टेम्परेचर में सोइंग हो सकती है, बट बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक है और उसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी बीच बाकी जो एग्री कमोडिटीज़ जो एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रही हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज मैंने काम होते हुए देखा है, ओवरऑल एग्री स्पेस पे आपका टॉपिक यहां कहां है? जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल के एक ऐसा मुझे लग रहा है जो एक अच्छा सेक्टर उभर के आएगा। मुझे लगता है कि अगर कहीं 2625 2620 के आसपास अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो एक 70 से 80 रुपए की चाल हमें इसमें देखने मिल सकती है और 2585 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे बढ़े हैं और निचले स्तर से इसमें इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए, मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पिक होना चाहिए। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 105 तक के स्तर वहां पर बनते हुए नजर आए हैं। रुपए में हमने थोड़ी सी वीकनेस आते हुए देखी है और दिनेश जी ये सब उस समय पे आ रहा है जहां पर आरबीआई का सर्कुलर, जिस तरह के हमने सेबी का सर्कुलर भी आता हुआ देखा, क्लैरिटी का ऑफकोर्स बाजार को इंतजार है कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते करेंसीज में, सिर्फ हेज कर सकते हैं, एक क्लैरिटी का इंतजार है, 5 अप्रैल एज अ डेट का भी इंतजार है। आप कैसे देख रहे हैं इस बैक एंड फोर्थ को? बाजार को लगता है कि वॉल्यूम्स काफी यहां पर गिर जाएंगी, सो एज अ कमोडिटी एज अ करेंसी एक्सपर्ट आप कैसे, कितना इंपैक्ट होता है वो आप देखते हैं? बिल्कुल, वॉल्यूम तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा गिरेंगे क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है और अगर इसमें कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही अगर इसमें ट्रेड कर पाए तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज टू बी डन कि हम क्यों ट्रेड करना चाह रहे हैं और कैसा ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इसमें गिरावट होगी, साथ ही साथ जो भी ट्रेड करेगा उसके लिए सारे कंपेंसेशन इश्यूज भी काफी ज्यादा निकल कर आएंगे। दिनेश जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन है, कितना हम ट्रेड और कितना हेजर्स की तरफ से आता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट मैक्स टू मैक्स 20% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर बट मैक्सिमम हमारे यहाँ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं इसमें, ये मैक्सिमम दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू दी डॉलर या बाहर के लिए कोई चीज हो, दे जस्ट वांट टू स्पेकुलेट ऑन बेसिस ऑन दी प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स। जी हाँ, और सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सी करेंसी में भी होता है क्योंकि जिस तरह से जापानी येन में मूवमेंट आई है, यूरो में फॉर दैट मैटर, रुपए में बहुत समय के बाद एक बहुत स्टेडी मूव के बाद अब ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन किस करेंसीज में आपने ज्यादा इंटरेस्ट भी बनते हुए देखा? जी मैक्सिमम जो अभी पिछले अगर 7 से 8 महीने देखे तो मुझे लगता है कि 82-80 और 83-40 ये रेंज में ही डॉलर ट्रेड रहा, तो उस समय वॉल्यूम काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही 82-40 के आसपास से आना शुरू हुआ है इसमें वॉलेटिलिटी जैसे ही बढ़ी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट मैक्सिमम जो होता है ये रुपए डॉलर में ही काफी ज्यादा काम। 83-35 हमारी स्क्रीन पे एक फाइनल व्यू, आप यहाँ से आपको रुपया कैसा लगता है? मुझे लगता है ये दोबारा 84 के लेवल टेस्ट कर सकता है, नीचे में 81-83-15 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आता है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो रुपए पे यहाँ पर मूव्स है, ऑफकोर्स करेंसी मार्केट्स में कोई और क्लैरिटी या क्लैरिफिकेशन निकल के आता है उसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे काफ़ी लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पर वाइंड डाउन करनी शुरू कर दी हैं। जहाँ तक ट्रेड था वो 80% इसका हिस्सा था, सिर्फ 20% यहाँ पर कमर्शियल है, तो ये एक और बाजार जो ऑलमोस्ट बंद होता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स इसका क्लैरिटी का इंतजार है और हम लगातार इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।